हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे FPS शूटर गेम्स जो कि आप अपने लो एंड पीसी में खेल सकते हो। तो अगर आपको फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स खेलना पसंद है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में जितने भी गेम्स आपको देखने को मिलने वाले हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे FPS शूटर गेम्स है, तो ये वीडियो आप जरूर पूरा शुरू से एंड तक देखना और आपको डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आएगी। तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन दबा दो, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मजेदार गेमिंग से रिलेटेड और लो एंड पीसी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी इस वीडियो का सबसे पहला गेम जो है उसका नाम है होम फ्रंट। तो ये गेम बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड गेम है और ये बहुत ही अच्छा फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जो कि मिलिट्री बेस्ड गेम भी है। एंड इस गेम का जो प्लॉट पॉइंट है वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें नॉर्थ कोरिया और बाकी के ग्लोबल पावर्स के बीच में टेंशन बढ़ जाती है और उसके ऊपर जो मिलिट्री वॉर्स होते हैं उस पर ये गेम बेस्ड है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम है। इस गेम के अंदर आपको काफी डिफरेंट टाइप के गन्स देखने को मिलेंगे और इस गेम में आपको जो कटसीन्स देखने को मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं, पर ग्राफिक्स उतनी हाई लेवल की नहीं है, बट ग्राफिक्स इसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एंड मैंने इस गेम को कंप्लीट तो नहीं किया है पर जितना खेला है उतना मुझे काफी अच्छा लगा, जिसमें आपको काफी ज्यादा कॉल ऑफ ड्यूटी की भी वाइब्स आने वाली है। और इस गेम में आपको मैकेनिकल व्हीकल्स भी देखने को मिलेंगे जो कि हाफ रोबोटिक्स होते हैं, जो अपने आप ही वर्क करते हैं, तो काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं और आपको उन्हें उनसे फाइट करनी होती है। तो अगर आपको एक अच्छा फर्स्ट पर्सन शूटर गेम खेलना है जो कि मिलिट्री बेस्ड हो और उसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा अच्छी हो तो ये गेम आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। एंड नेक्स्ट गेम जो हमारे इस लिस्ट में है वो गेम तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट FPS गेम है अभी भी। एंड कोई भी मुझे जब पूछता है लो एंड पीसी के लिए एक अच्छा FPS शूटर गेम बताओ तो मैं आंख बंद करके इस गेम का नाम लेता हूँ। गेम का नाम है Battlefield Bad Company 2। सो गाइस सबसे पहले तो इस गेम का जो ग्राफिक्स है इसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब ये AAA टाइप का गेम लगता है ये मुझे। और मैंने जब ये गेम खेला था तो मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया था इसके ग्राफिक्स को देख के। एंड इस गेम का जो सिंगल प्लेयर मोड है जिसमें स्टोरी लाइन एकदम टॉप नॉच लेवल की है, इस गेम में आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि बैटलफील्ड के AAA टाइटल्स में होते हैं। और इस गेम के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, जो वॉर फाइट्स होती है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो आपके लो एंड पीसी के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट FPS शूटर और मिलिट्री बेस्ड गेम होने वाला है जो कि आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अगला जो गेम है उसका नाम है बुलेट स्टॉर्म। सो गाइस ये एक बहुत ही ज्यादा स्टाइलाइज्ड फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। एंड इस गेम में आपको सिर्फ 8 टाइप के डिफरेंट वेपन्स देखने को मिलेंगे जो कि अपने में ही एक यूनिक एबिलिटी रखते हैं। और एंड इस गेम में आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप के अपग्रेड्स भी देखने को मिलते हैं, जिनको आप अपग्रेड करके अपने कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना सकते हो, उसके पास बहुत सारे गैजेट्स आ जाएंगे जिसके थ्रू वो एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। एंड जिपलाइन टाइप का एक गैजेट आएगा जिससे वो एनिमी को अपने पास खींच सकता है। एंड देन हमारा जो कैरेक्टर है वो एनिमी को किक भी कर सकता है और रन करते हुए उन्हें स्लाइड भी कर सकता है। एंड स्लो मोशन मोड में आपको स्किल शॉट्स भी अप्लाई करने को मौका मिलता है। तो बहुत ही ज्यादा स्टाइलाइज गेम है, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा और एक डिफरेंट टाइप का फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। ग्राफिक्स आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, तो आपको एक गेम ट्राई करना चाहिए अगर आपको इस टाइप के गेम्स खेलना पसंद है तो। चलिए तो बात करते हैं अगले गेम की। गेम का नाम है कॉल ऑफ ज़ोरेस गनस्लिंगर। सो गाइस ये गेम हमें स्टोरी बताती है सिलास ग्रीवेस की, जो कि एक बाउंटी हंटर था वेस्ट अमेरिका में इन द हाफ ऑफ 19th century। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर है सिलास वो खुद इस स्टोरी को नरेट कर रहा होता है इन द ईयर 1910 टू द ग्रुप ऑफ सैलून पैट्रियंस। तो काफी ज्यादा मजेदार गेम है ये, और इस गेम में आपको 19th century के वेपन्स देखने को मिलेंगे और आपको काफी ज्यादा मजा आएगा उनको यूज करके। एंड इस गेम को खेल के आपको थोड़ा यूनिक गेम प्ले एक्सपीरियंस होगा जो कि काफी मजेदार होगा, और एक बाउंटी हंटर का रोल प्ले करने में काफी मजा आता है। तो आपको डेफिनेटली ये गेम खेलना चाहिए, काफी ज्यादा मजेदार गेम है। ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और शायद आपके पीसी में थोड़ा सा लैग करे तो आपको लो सेटिंग्स पे इस गेम को खेलना पड़ेगा। एंड ये गेम आपको बहुत ही ज्यादा ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। एंड लास्ट और फाइनल गेम जो हमारी लिस्ट में उसका नाम है मेडल ऑफ ऑनर। सो गाइज ये बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड गेम है। ये गेम क्या पूरी फ्रेंचाइजी बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है और इस गेम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला। अगर ये गेम सीरीज को सपोर्ट मिला होता तो ये गेम सीरीज शायद हमें कॉल ऑफ ड्यूटी से ज्यादा अच्छे गेम्स ये होते, बट कोई नहीं। अगर आपने इस गेम को अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आप डेफिनेटली ट्राई करो। पर्सनली मुझे ये गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, फीचर्स इसमें काफी सारे नए और यूनिक फीचर्स हैं। इस गेम में आपको ड्राइविंग भी देखने को मिलती है जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स में आपको ड्राइविंग वगैरह देखने को नहीं मिलती है। तो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा अच्छा गेम है और स्टोरी लाइन तो इसका मेन सेलिंग पॉइंट है, स्टोरी इसकी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है और आपके लो एंड पीसी के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट FPS गेम हो सकता है, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। एंड अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना ही चाहिए और आप इस गेम को खेलने के बाद आप इस सीरीज के बाकी सारे गेम्स भी जरूर खेलोगे।
सो गाइस ये टॉप 5 FPS शूटर गेम्स है जो कि आपके लो एंड पीसी के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। अगर आपको ये गेम्स खेलने में मजा आया हो, अगर आपको ये अच्छे गेम्स खेलने को मिले तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड लो एंड पीसी से रिलेटेड मजेदार वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि हम जैसे वीडियोस अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। एंड मैं भी चलता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।